हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में भी करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ROM यानी कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए द्वितीयक, अस्थाई, स्थाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोम अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये किस प्रकार की है? तो ये है आपकी स्थाई। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक होते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से किसी बैग में ले जाया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके पास दिया है, आई होप आप सभी को पता होगा। तो ये हो गए आपकी लैपटॉप। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो याद रखना है भारत में है विकसित आपका परम सुपर कंप्यूटर, इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन जो अगर डी की बात करें ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी डेक। अगला प्रश्न है आपके पास मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है? तो आपने बताना है मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनमें से आपका जो है राइट कौन सा होगा ये आपने बताना है। साथ ही आप कमेंट करेंगे आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सही ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, हटर्स। अगला प्रश्न है आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है? तो आपने बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका, ये प्रिंटर का एक टाइप है। तो इसमें प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? बिंदु का होता है, रिबन का होता है, गैस का, पिक्सल का। तो आपने ये बताना है। तो ऑप्शन अगर बी देखिए रिबन, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपकी प्रिंटिंग के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपके पास स्क्रीन में डिस्प्ले की पिक्सल की संख्या को स्क्रीन पर डिस्टेंस कहते हैं। देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले की पिक्सल की जो संख्या निर्धारित की जाती है उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आपके पास इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन इसमें सही कौन सा होगा? अगर आप ऑप्शन डी देखिए रिजोल्यूशन, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी मेमोरी टेम्पररी की मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि टेम्पररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। तो इसमें से राइट की बात करेंगे तो वॉलेटाइल मेमोरी ऑप्शन जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो आपके पास दिया गया है टेराबाइट, किलोबाइट, जीगाबाइट यानी कि जीबी और आपका मेगाबाइट। तो अगर ऑप्शन ए देखिए आप, तो टेराबाइट है आपके स्टोरेज की इनमें सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो ऑप्शन जो आपका ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास कंप्यूटर में तैयार कीजिए या किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लेना। तो यह कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो ये आपने बताना है। तो इसमें क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? तो बेसिक जो आपका BASIC कंप्यूटर भाषा है ये किस पीढ़ी की भाषा है? तो ये आपने बताना है। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन जिसमें ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट आपका जो है अनुकूल नहीं था, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा।